Hello students, welcome to getlectures.com. I am Pushpanjay Kasyap, lecturer of mechanical engineering. In this lecture of fluid mechanics, I am going to describe the concept of surface tension, and this is very important for the entire fluid mechanics subject. Okay, now I am going to start the concept surface tension. Okay, let's start the surface tension. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक को देखने के बाद. सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सरफेस टेंशन. फिर दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है वेयर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट. ओके एंड व्हाई. देयर आर थ्री क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम दिस टॉपिक. व्हाट इज सरफेस टेंशन, वेयर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट एंड थर्ड वन इज द व्हाई सरफेस टेंशन क्रिएट्स. ओके फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है. तो बाय डेफिनेशन अगर आप सरफेस टेंशन का डेफिनेशन देखो तो सिंपल सा है. सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स. सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स एंड इट एक्ट्स normal to the line drawn on surface and it acts in the plane of the surface. This is the basic definition of surface tension, and its unit is Newton per meter. Okay, and its dimensional formula is MT-2. पहली बात, सबसे स्टार्टिंग में हमने इसके डेफिनेशन को देखा. बहुत लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा. सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉर्मल टू द लाइन ड्रॉन ऑन सरफेस एंड इट्स एक्ट इन द प्लेन ऑफ द सरफेस. हियर द प्लेन ऑफ द सरफेस. ओके सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं. ये तो एक डेफिनेशन हुआ, सिंपल डेफिनेशन की सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉर्मल टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस एंड इट एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द सरफेस. सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज सरफेस. सरफेस कहां होगा, किस सरफेस पर ये एक्ट करेगा और क्यों करेगा. तो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. कंसेप्ट ऑफ, अब इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं. कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, सबसे पहले फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसको फिजिकली फील करने का प्रयास करते हैं. नाउ कुछ हम लेते हैं बल्क ऑफ लिक्विड. दिस इज द बल्क ऑफ लिक्विड. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बल्क ऑफ लिक्विड. Bulk of liquid, and this is the free surface of the liquid. Okay, now सबसे पहले बात करते हैं. इसमें दो चीजें आती हैं. सरफेस टेंशन जो क्रिएट होती है ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस. ओके अगर आप यहां पर देखो तो ये लिक्विड का सरफेस है, free surface of the liquid. ओके इसके इधर क्या है, इधर एयर है. ओके आउटसाइड द फ्री सरफेस एयर है. ओके अब अगर यहां पर आप देखो तो दो टर्म्स मैं यूज करने वाला हूं. वन इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज एडहेसिव फोर्सेस. ओके
क्या होती है कोहेसिव फोर्सेस, क्या होती है कोहेसिव फोर्सेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम नेचर मॉलिक्यूल, एंड एडहेसिव फोर्सेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट नेचर मॉलिक्यूल्स. इट मींस व्हाट, सेम नेचर मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट नेचर मॉलिक्यूल्स. अगर आप देखो तो यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं, एक मैंने मॉलिक्यूल कंसिडर किया. इफ यू कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए, ए मॉलिक्यूल कंसिडर किया विद इन द बल्क ऑफ लिक्विड. बल्क ऑफ लिक्विड में मैंने मॉलिक्यूल ए को कंसिडर किया. दिस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज अंडर इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बिकॉज ये किस में होगा, कोहेसिव फोर्सेज होंगी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम नेचर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इसके अगर आप नेबर में देखो, नेबर में देखो तो सेम नेचर मॉलिक्यूल्स है. ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है और इसके इर्द गिर्द टोटल मॉलिक्यूल्स क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हैं. तो ये चारों तरफ से, ऑल साइड से ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा. मैंने कुछ जो मॉलिक्यूल्स आपने जो लिए हैं हमने, देयर आर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ओके, दिस मॉलिक्यूल ए इज अंडर इक्विलिब्रियम बिकॉज कि इसमें टोटल फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है. लेकिन अगर मैं इस एक और मॉलिक्यूल की बात करता हूं, वो मॉलिक्यूल कहां पर एग्जिस्ट है, कहां पर है, मैं मान लिया द मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल बी इज एट द फ्री सरफेस. फ्री सरफेस पर मॉलिक्यूल बी को हम लेते हैं, उसको कंसिडर करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं. अगर बी की बात करते हैं तो ये बी मॉलिक्यूल है, इसके इस साइड में कोहेसिव फोर्स सेम नेचर मॉलिक्यूल, इधर लिक्विड है. इधर अगर आप देखें तो इधर भी क्या है, दिस इज सेम नेचर मॉलिक्यूल. अगर आप इधर भी देखें तो इधर भी क्या है, सेम नेचर मॉलिक्यूल. तो ये तो तीन डायरेक्शन से ये क्या है, बैलेंस्ड है. तीन डायरेक्शन में ये बैलेंस्ड है. बट अगर बी मॉलिक्यूल के अपवर्ड डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, इस डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इस डायरेक्शन में इधर क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स है. तो फोर्स ऑफ, इधर कौन सा फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स ऑफ एडहेशन, एडहेसिव फोर्सेस इधर एक्ट करेंगे बिकॉज बी इज द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एंड दिस मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, एयर. एयर के ये मॉलिक्यूल है तो डिफरेंट नेचर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस. ओके, तो अगर आप यहां पर देखो तो ये क्या है, एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स बिटवीन बिटवीन एयर एंड वाटर. ओके, दिस इज एडहेसिव फोर्स बिटवीन एयर एंड वाटर. एंड ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना, एडहेसिव फोर्स बिटवीन एयर एंड वाटर इज लेस देन दिस कोहेसिव फोर्स, दिस कोहेसिव फोर्स. ओके, द कोहेसिव फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज इट ओके. तो यहां पर आपकी कोहेसिव फोर्स क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई. एंड ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस द सरफेस टेंशन क्रिएट्स. ओके, अगर आप यहां पर देखो, दिस इज द इंटरफेस. अगर आप यहां पर देखो, इस साइड में एयर है और ये फ्री सरफेस है, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरफेस. ओके, इंटरफेस, इसे आप क्या कहोगे, इंटरफेस कहोगे. इंटरफेस इज सेपरेटेड बाई, दिस इज सेपरेटेड बाई एयर. ओके, दिस इज सेपरेटेड बाई एयर, एयर से ये सेपरेट है. एंड ऑलवेज सबसे बड़ी बात, अब यहां पर एक चीज क्लियर होता है कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस. सबसे पहले आपने देखा व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉर्मल टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस एंड इट एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द सरफेस. तो यहां पर तो आपने बस डेफिनेशन देखा था कि व्हाट इज सरफेस टेंशन. पहले सरफेस टेंशन को फिजिकली फील करते हैं. अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी लिक्विड, कोई भी वाटर की ही बात करते हैं जो जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं, अगर आप बकेट में वाटर फिल करते हो या किसी भी चीज में वाटर फिल करते हो, तो एक सरफेस क्रिएट होती है. अगर आप देखो तो वो सरफेस क्यों क्रिएट हो रही है, सरफेस पर अगर आप एक चीज प्रैक्टिकली फील करना चाहो, तो उस सरफेस पर अगर आप एक नीडल रखते हो, बहुत ही स्मॉल वेट का नीडल रखते हो, तो वो उस पर क्या होता है, रह जाता है, ना ही वो नीचे जाएगा. अब नीडल की बात छोड़ते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, एक स्मॉल इंसेक्ट की बात करते हैं जो कि उसके ऊपर आराम से चल सकता है. स्मॉल इंसेक्ट्स को आप देखते हो कि लिक्विड के सरफेस पर वो आराम से ट्रेवल कर सकते हैं.
क्यों? क्योंकि वो सरफेस हमेशा टेंशन में रहती है, और वो क्या करती है, अगर आप देखो तो वो ऑलवेज आपकी एक टेंशन को, आप देखो तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल बी है, ठीक है, यहां आपकी बात करते हैं, दिस मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स। आप देख रहे हो कि यहां पर एडहेसिव फोर्सेस है, और एडहेसिव फोर्स क्या है, वीकर देन द कोहेसिव फोर्स, और ये नेट डाउनवर्ड फोर्स के कारण आप क्या, ड्यू टू दिस देयर सीम्स टू बी अ मेम्ब्रेन फॉर्म। तो यहां पर एक क्या होता है, मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, एंड एट द सरफेस विच कैन रेजिस्ट, वो क्या कर सकता है, और एक मेम्ब्रेन आपकी क्रिएट हो गई सरफेस के ऊपर, और वो एक टेंसाइल लोड, स्मॉल टेंसाइल लोड को ऑलवेज रेजिस्ट कर सकती है। इसी कारण से अगर आप देखते हो तो एक इंसेक्ट उसके ऊपर आसानी से ट्रेवल कर सकता है। अगर आप किसी भी बर्ड के अगर विंग्स की बात करते हो, कोई पंख छोटा मोटा टूटता है तो वो हमेशा वाटर के ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है, कभी वो इमर्ज नहीं होता है, उसके अंदर डूबता नहीं है कभी भी। आप देखते हो कि उसके ऊपर वो फ्लोट करते रहता है, क्यों, क्योंकि वो स्मॉल टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर सकता है वो मेम्ब्रेन, ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। ओके नाउ तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, और इसके बारे में कुछ चीजें और जानेंगे, कि कुछ क्वेश्चंस पे पूछा जाता है कि अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात है, कि सरफेस टेंशन क्या फ्लूड की प्रॉपर्टी है या नहीं, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैनर में लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं, हमने क्या किया था, कंसीडर कंसीडर अ मॉलिक्यूल ए, कंसीडर अ मॉलिक्यूल ए विच इज बिलो द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ, इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ वेरियस कोहेसिव फोर्सेस, बिकॉज ऑफ इट नॉट इट बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ कंसिडर, हमने क्या किया, सेकेंड में एक मॉलिक्यूल बी लिया, नाउ कंसिडर मॉलिक्यूल बी विच इज ऑन द फ्री सरफेस, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्स। नाउ हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई एम गोइंग टू राइट, ड्यू टू दिस देयर सीम्स टू बी अ मेम्ब्रेन फॉर्म, मेम्ब्रेन फॉर्म, ओके, मेम्ब्रेन फॉर्म एट द सरफेस,
एट द सरफेस विच कैन रजिस्ट स्मॉल टेंसाइल लोड. दिस फेनोमेनन इज नोन एज सरफेस टेंशन. इज इट क्लियर? सर्फेस टेंशन के कंसेप्ट को आई थिंक अब आप लोगों के माइंड में एंटर कर चुका होगा कि वॉट इज सर्फेस टेंशन एंड वेयर इट एग्जिस्ट. ओके, नाउ अब अगर कुछ चीजें देखनी है, नेक्स्ट वन, अगर कुछ चीजें और हमें जाननी है इसमें कि सर्फेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये किस तरह से एक्ट करता है, तो सबसे पहले सर्फेस टेंशन के डेफिनेशन में आप लोग आ जाओ. क्या लिखा था? सर्फेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स. It is a line force and it acts normal to the line drawn on the surface and it acts in the plane of the surface. So now I'm going to, agar yahan par, this is very important point, surface tension kis karan se hoti hai? Surface tension is mainly due to unbalanced cohesive forces. Is it clear? This is very important. Surface tension is mainly due to unbalanced cohesive forces and with increase in temperature cohesive forces decreases and hence surface tension also decreases. Is it clear? जब आप temperature rise करते हो किसी भी liquid की, तो उसकी cohesive forces क्या होती है? Weak होती है. Cohesive forces, molecule distance बढ़ता है, कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होती हैं, और ड्यू टू डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्सेस सरफेस टेंशन इज आल्सो डिक्रीजेस, बिकॉज सरफेस टेंशन इज मेनली ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, और जो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस हैं अगर वो वीक होंगी तो सरफेस टेंशन क्या होगा? ऑटोमेटिकली वीक होगा. यानी कि जैसे जैसे आपका कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे कोहेसिव फोर्सेस विल इंक्रीज, देन सरफेस टेंशन विल इंक्रीज. अगर आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो आइस का फॉर्मेशन होता है, आइस बनता है तो उस पर जो मेम्ब्रेन जो फॉर्म होती है उसका क्या होता है? उसका सर्फेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है. उस पर आप भी चल सकते हो एक, मतलब वो अच्छे खासे वेट को, मतलब रजिस्ट कर सकता है, टेंसाइल लोड को रजिस्ट कर सकता है, बिकॉज कि उसका क्या हो रहा है? टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, और जैसे जैसे कोहेसिव फोर्सेस अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी सरफेस टेंशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाता है. इज इट ओके? नाउ द फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन एल. दिस इज अ लाइन फोर्स. सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन एल. सिग्मा इज सरफेस टेंशन फोर्स. ओके, दिस इज न्यूटन पर मीटर. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप सपोज करो सरफेस टेंशन जो होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें सरफेस टेंशन को एज अ प्रॉपर्टी वो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो जो पूछना चाहते हैं बहुत बच्चे आंसर गलत देते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. बट दिस इज रॉन्ग. सरफेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी, इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी. और इज इट ओके? और इट ऑलवेज एग्जिस्ट एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस. ओके, तो बात आती है कि सर अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स होती हैं तो उनके बीच में भी तो सर सरफेस क्रिएट होता है, जनरेट होता है. ठीक है, तो वहां पर हम सरफेस टेंशन वर्ड का यूज नहीं करते हैं. वहां पर अगर आप अगर एक प्रिसाइज वर्ड का अगर यूज करना चाहो तो दैट वर्ड इज इंटरफेसियल टेंशन. ओके, दैट इज इंटरफेसियल टेंशन. तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कुछ चीजें लिखवाता हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज कि आपके क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन पूछता है आगे जो आप लोग कैपिलरिटी देखेंगे तो वो क्वेश्चन करते हैं कि द रीजन ऑफ कैपिलरिटी, द विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिलरिटी. ऑप्शन में आपके सर्फेस टेंशन भी रहता है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट सर्फेस टेंशन पर टिक करते हैं, बट वो क्वेश्चन कहता है कि विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिलरिटी. तो उसमें आप एडहेसिव फोर्सेज वो रिस्पॉन्सिबल होती है कैपिलरिटी के लिए, ना कि सर्फेस टेंशन, बिकॉज सर्फेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी. ओके, तो यहां टू इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्फेस टेंशन. द फर्स्ट पॉइंट इज सर्फेस टेंशन एग्जिस्ट ओनली एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्फेस टेंशन एग्जिस्ट ओनली एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस. इज इट ओके? नाउ आप ये भी कह सकते हैं सिग्मा इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू गैस. ओके, नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्फेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी not a property of fluid, it is a binary property. ओके, इट इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी. अब देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या चीज है, सर्फेस टेंशन एग्जिस्ट ओनली एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस. सिग्मा इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू गैस, एंड हियर द सर्फेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो दिस टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्फेस टेंशन, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईएस के मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, जिसमें कि ये बातें की जाती हैं. वहीं पर सिंपल सी बात है, कैपिलरिटी में ही आपको मैक्सिमम फंसाया जाता है, तो सरफेस टेंशन को आपको प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करना है. दिस इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी, एंड सरफेस टेंशन ऑलवेज एग्जिस्ट एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एक पॉइंट अगर आप लोगों के माइंड में आता है कि टू इमिसिबल लिक्विड्स है तो उनके बीच में जो इंटरफेस होगा वहां पर किस टेंशन की बात हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसियल टेंशन. तो यहां पर आप लिख सकते हैं इंटरफेसियल टेंशन व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स make a interface. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सर्फेस टेंशन का जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखा था, सर्फेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉर्मल टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सर्फेस एंड इट एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द सर्फेस. सिंपल सी बात है, देखते हैं सर्फेस टेंशन के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की बात करते हैं कि ये किस तरह से दिखता है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की, सरफेस टेंशन कैसा होगा. अगर आप देखो तो मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, कभी भी अगर आप देखो ड्यू टू एडहेशन, अभी थोड़ा जब मैं वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड्स के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग बहुत कुछ चीजें और देखेंगे. ठीक है, अगर आप देखो तो इस का वेट W डाउनवर्ड लग रहा है एंड सरफेस टेंशन इज ऑलवेज एक्ट लाइक दिस. सॉरी
दिस इज एफ, दिस इज टी एंड दिस इज टी, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कैसा होगा? टॉप व्यू के बारे में अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, जो सरफेस देख रहे हैं आप, सिंपल सी बात, मैं टॉप व्यू के बारे में बात कर रहा हूं, तो जहां पे सरफेस आपको दिख रहा है, सरफेस पर एक लाइन हमने ड्रॉ किया इन द प्लेन ऑफ द सरफेस, ये लाइन जो है प्लेन ऑफ द सरफेस है, तो उनके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे प्लेन ऑफ द सरफेस में, जितने इस लाइन पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह से दिख रहे होंगे, वो आपको इस तरह से एफ फोर्स टेंशन में वो दिख रहे होंगे, सिंपल दिस इज लुक लाइक, ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, दिस इज एफ, this is f, this is f, this is f, this is f and this is f, this is the top view, top view, okay, इसका जब analysis हम करेंगे, और अभी इसकी बहुत ज्यादा अभी analysis बची है, pressure inside the liquid drop, pressure inside the bubble and then the pressure inside the liquid jet, तो उसका जब analysis हम करेंगे तो वो और clear आपको दिखेगा कि surface tension किस तरह से आपको दिखता है, okay, तो next one is इसमें एक चीज है कि वाटर का फॉर न्यूमेरिकल पर्पस सरफेस टेंशन फॉर एयर वाटर इंटरफेस एट 20 डिग्री सेल्सियस is 0.07736 newton meter. तो surface tension for air water interface at 20 degree Celsius is 0.0736. अगर आपके numerical में values अगर given नहीं है तो आप इतना consider कर सकते हैं, at 20 degree Celsius आप इतना consider कर सकते हैं, okay, thanks.